डी ई एफ जी एच आई जे के एल हे एम गाइस, वेलकम बैक टू माय एन चैनल। तो सुबह हो गई है और ओ सुबह उठी ना पी मैं, तो मैंने देखा क्यू कि प्रव्या भी उठ आर गई थी एस और साथ टी में ना यू मतलब बेड वी के पास डब्ल्यू एक एक्स कॉपी रखी हुई वाई थी, तो उसने उठ से जेड ये उठा ली लोकेट थी मार और उसने मतलब मेरे को इशारे करके कहा कि मुझे पढ़ाओ। तो फिर मैं इसको बनाना कुछ इस तरह से ना इसका ध्यान बटा रही वेरी थी गुड कि ये लव इसमें वर्ड खेल में लग भारती जाए, लिखते और जब ये गया खेल में लग जाएगी तो मैं काम कर लूँगी, और वन इसको ना ऐसे टू पढ़ना बहुत थ्री अच्छा लगता फोर है। फाइव तो प्रव्या लग गई थी उस कॉपी के साथ खेलने और पढ़ने। तो मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने अपने लिए आज कॉफ़ी बनाई थी क्योंकि मुझे सिर दर्द हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए कॉफ़ी बना ली। और कॉफ़ी पीने के बाद मैंने किचन के जो भी काम थे मेरे, खाना वगैरह बनाने का, सारे काम कर दिए थे जो कि मैंने ऑफ कैमरा किए थे, क्योंकि कैमरा ऑन करते ना तो बहुत टाइम लगता है और मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे कहीं जाना था आज, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए थे। और अपने लिए फिर से वही जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है डेली का, कि नमकीन दलिया बनाया था। लेकिन आज मैंने ना इस दलिया में मैंने क्या किया था कि जो वो होती है ना खिचड़ी वाली दाल, नाम नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी वाली जो दाल होती है ना वो भी मैंने थोड़ी इसमें ऐड कर दी थी और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। मैं डेली जब भी बनाऊंगी तो ना मैं इसमें ये डेली ऐड घर के करूंगी। काम से झाड़ू पोछा खाना वगैरह जो भी था वो सारा मैंने कर लिया और मैं नहा धो ली हूँ। अब तैयारी कर रही हूँ अपने काम की, बच्चे बस आने वाले ही होंगे तो मैं नहा धो ली हूँ। कपड़े मैंने सुखा दिए थे, थोड़े से कपड़े रहते मशीन में वो मैं सुखा दूँ। मैं सोच तो लिया कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ लेकिन समझ ही नहीं आता कैसे बनाऊँ। एक तो ना एक मौसम ऐसा हो गया कुछ काम करने का मन नहीं करता। चलो लेकिन अब बोला है तो वीडियो तो बनानी पड़ेंगी, तो अभी मैं जल्दी से कपड़े सुखा देती हूँ, फिर मिलते हैं शाम को काम से फ्री होके। तो अब जो शूट होगा वो शाम को ही होगा क्योंकि सुबह तो कुछ भी शूट नहीं किया आई थिंक। हाँ, जो मैंने सुबह अपना ब्रेकफास्ट बनाया था ना तब खा रही थी, तब थोड़ा सा शूट किया था, उससे पहले आपने वो क्लिप देख ली होगी। अब तो काम से फ्री होके 8:30 बजे तभी कुछ शूट करूँगी। और आज मैंने पहना है ये ग्रे कलर का सूट, वैसे मैं बहुत कम सूट डालती हूँ ना तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, बस अब ऐसा मन हो रहा है इसको निकाल दूँ। मैंने फटाफट यहाँ पे कपड़े सुखा दिए थे। ये पहले तो कपड़े मैंने सुखा दिए थे, दूसरे तार पे कुछ बचे हुए थे तो वो सुखा दिए थे। अब ये जो क्लिप है ना ये फ्री हो गई थी मैं 8 बजे, उसके बाद किया। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ जब भी अपने काम से फ्री होती ना, तो सबसे पहले प्रव्या को खिलाती हूँ, दूध वगैरह पिलाती हूँ, फिर उसको मैं सुला देती हूँ। फिर जब ये सो जाती ना तब मैं घर के काम, जो डिनर वगैरह बनाने का काम है ना, वो स्टार्ट करती हूँ। और ये प्रव्या को मैं सुलाती हूँ ना तो कम से कम ये आधा घंटा ले जाती है सोने में। हाँ, क्योंकि ना इसको बड़े लाड से प्यार से सुलाना पड़ता है, बहुत नखरे करती है ये। और होता है ना बच्चा पूरा दिन इतने दूर रहता है, तो जब उसकी माँ पास आती है तो थोड़ा सा ऐसे नखरेलू हो ही जाता है। तो प्रवे यहाँ पे सो गई है, वैसे नींद तो मुझे भी आई हुई है। जब मैं इसको सुला रही थी ना तो मुझे भी नींद आ गई थी, लेकिन मैं सो जाती तो फिर काम कैसे होता। तो फिर मैंने सोचा चलो उठ के आलस को छोड़ के काम करना ही पड़ेगा। तो मैं आ गई थी सीधा फिर किचन में, और किचन में आते सबसे पहले मैंने क्या किया, चेंज भी नहीं किया था क्योंकि मुझे ये था बस फटाफट से ना मैं काम कर लूँ, और ये भी डर रहता है कि कहीं प्रव्या उठ ना जाए बीच में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो सब्जी बनाती थी, फिर मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी, और रोटियाँ सेक के फिर मैंने चेंज वेंज करके खाया था। क्योंकि पहले ना एक ऐसे होता ना कि मतलब एक टाइम को देख के ऐसा लगता है कि टाइम भागा जा रहा है, और फिर वैसे कपड़े चेंज करने में 5 मिनट ही लगती, 5 से भी कम ही लगती, लेकिन बस मन में ये था कि कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, जल्दी जल्दी काम करके फ्री होके टेंशन फ्री होके तब कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। तो बस मैंने हाथ धोए थे और कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, मुंह भी नहीं धोया था, और काम हो गए थे फिर मेरे किचन का। उसके बाद मैं बैठ गई थी खाना खाने, और वैसे मैं रात को खाना नहीं खाती, ये मैंने करीबन 15 दिन के बाद मैंने रात को खाना खाया है। वैसे उसमें भी मैंने एक रोटी ली थी, और ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरी जो कटोरा है इसमें मैंने लस्सी पी थी। तो पहले मैंने लस्सी पी ली थी ताकि मेरी जो भूख है वो कम हो, ताकि रोटी मैं कम खा पाऊँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था थोड़ा वेट बढ़ गया है ना, तो इस वजह से थोड़ा मुझे सोच समझ के खाना पड़ता है अब। तो एक कटोरा लस्सी पी ली थी, फिर एक रोटी खा ली थी, पेट भर गया था। और अब सारे काम हो गए थे, मैंने किचन वगैरह साफ कर दिया था। तो पर वह यहाँ पे सो ही रही थी तो मुझे भी अब नींद आ गई थी, और मेरे सारे काम हो भी गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं सो जाती हूँ, और अभी अक्षय को आने में 1 घंटा बाकी था, तो जब तक मैं सो गई थी यहाँ पे।
तो किचन वगैरह के सारे काम करते करते ना मुझे 10 बज गए थे, फिर खाना खाने में और सब 10:30 का टाइम हो गया था, फिर मैं सो गई थी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।